सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 18 विशेषण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, दूसरे भाग में आगे बढ़ने से पहले हम इस पहले भाग की थोड़ा सी पुनरावृत्ति करेंगे, ताकि जो आपको मैंने पढ़ाया है फिर से दोहराऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों, पहले हमने पढ़ा था विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है। विशेषता सूचित करने वाला शब्द विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है। फिर विशेषण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। फिर विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, अब आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण जानने से पहले हम ये दो विशेषण को और पहले ध्यान करेंगे। गुणवाचक विशेषण जो पहला है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आपने इन्हें समझा दो भेदों को, अब हम तीसरा भेद आज पढ़ेंगे इस दूसरे भाग में, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा है, इस गमले में थोड़ी मिट्टी और डाल दो। यहाँ पे मिट्टी क्या है? संज्ञा है। और थोड़ी क्या है? उसकी मात्रा या माप तौल को बता रहा है, उसकी मात्रा को बता रहा है कि कितनी मिट्टी डाल दो, थोड़ी मिट्टी डाल दो। फिर हम दूसरा देखेंगे, आपकी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पे कपड़ा संज्ञा शब्द है बच्चों, और 2.5 मीटर क्या बता रहा है? कपड़े की माप को बता रहा है कि कितनी कमीज के लिए कपड़ा लगेगा, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर क्या हुआ? कपड़े की माप हुई। तो यहाँ पे 2.5 मीटर जो है उसके माप को बता रहा है। तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। फिर हम दूसरा देखेंगे बच्चों, माँ मैं 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम दाल ले आया हूँ। यहाँ पे बच्चों चावल जो है कितना बता रहा है? 2 किलोग्राम। यहाँ पे भी उसकी माप को, उसके माप तौल को बता रहा है कि चावल कितना? 2 किलोग्राम। और फिर दाल कितनी? 1 किलोग्राम। यहाँ पे दाल की भी क्या बता रहा है? मात्रा 1 किलोग्राम। तो बच्चों, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं, उनकी मात्रा माप का बताते हैं माप तौल को, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर हम देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो उपभेद होते हैं। जैसे पहला है बच्चों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, इस थैले में 10 किलो आटा है। यहाँ पे आटा कितना बता रहा है बच्चों? आटे की संख्या कितनी बता रही है? कितनी माप बता रही है? 10 किलो। ये क्या है? निश्चित है कि आटा कितना है इस थैले में? 10 किलो।
10 से ज्यादा नहीं है और 10 से कम नहीं है, एक निश्चित माप को बताता है कि आटा जो है 10 किलो है। फिर दूसरा हम देखेंगे, बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। यहाँ पे दूध कितना बता रहा है, दूध की मात्रा, दूध की माप को कितना बता रहा है, 1 लीटर। 1 लीटर क्या है, उसकी निश्चित माप को, परिमाण को बता रहा है कि दूध जो है बच्चे को 1 लीटर पीना चाहिए। 1 लीटर क्या है, उसकी निश्चित माप को बता रहा है। फिर तीसरा हम देखेंगे, हलवाई ने जलेबियों के लिए 4 किलो चीनी की चाशनी बनाई है। यहाँ पे कितनी किलो की बताई है, यहाँ पे चाशनी बनाई है, कितना किलो बता रहा है, 4 किलो। यहाँ पे भी मात्रा को, माप को बता रहा है कि 4 किलो। तो बच्चों, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या माप को, तौल को बताते हैं, उनका बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में बच्चों, बहन जी थोड़ी दाल चाहिए। यहाँ पे दाल की संख्या कितनी बता रहा है, उसकी माप को कितना बता रहा है, थोड़ी। यहाँ पे निश्चित नहीं है कि 1 किलो 2 किलो कितनी चाहिए, थोड़ी चाहिए। तो थोड़ी क्या हुआ, अनिश्चित, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितनी दाल चाहिए। दूसरा है, तुमने सारा तेल गिरा दिया। यहाँ पे तेल संज्ञा शब्द है और तेल की मात्रा कितनी बता रहा है, सारा तेल। सारा में कितना तेल है, निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे सारा क्या हुआ, अनिश्चित। तो बच्चों, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध निश्चित बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे चौथा भेद, जो कि है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों लिखा है, यह फ्रॉग बहुत सुंदर है। यहाँ पे फ्रॉग क्या है, संज्ञा शब्द है, और यह क्या है, सर्वनाम है। और फ्रॉक की क्या बता रहा है, उसकी यहाँ पे सुंदरता को बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों फिर से कि यह फ्रॉक बहुत सुंदर है। यहाँ पे फ्रॉक जो है वो संज्ञा शब्द है, और फ्रॉक से पहले क्या लगा है, यह क्या है, सर्वनाम है। और यह फ्रॉक, फ्रॉक की क्या बता रहा है, बहुत सुंदर है। यह फ्रॉक की विशेषता को बता रहा है कि फ्रॉक क्या है, बहुत सुंदर है। फिर दूसरा हम देखेंगे, उस घर में मेरे चाचा जी रहते हैं। यहाँ पे घर क्या है, संज्ञा शब्द है बच्चों, और उस क्या है, सर्वनाम है, जो कि संज्ञा शब्द से पहले लगा है। और मेरे चाचा जी रहते हैं, ये क्या है, उसकी विशेषता को बता रहा है कि उस घर में मेरे चाचा जी रहते हैं। तो बच्चों, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रविशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण में देखेंगे बच्चों, यह अत्यंत वृद्ध कुत्ता है। यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, और यहाँ पे लिखा है अत्यंत वृद्ध कुत्ता है। यहाँ पे कुत्ता क्या बता रहा है कि कैसा है, वृद्ध, बूढ़ा है। और कितना बूढ़ा है, अत्यंत बूढ़ा है, मतलब बहुत बूढ़ा है वो। उसकी अत्यंत वृद्ध की क्या बता रहा है, कुत्ते की विशेषता को बता रहा है कि यह अत्यंत बूढ़ा है। तो बच्चों, विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे अत्यंत जो है वो प्रविशेषण शब्द है। हम दूसरा देखेंगे, यह कुर्ता बहुत लंबा है। यह कुर्ता, यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, और यह कुर्ता का क्या बता रहा है कि
बहुत लंबा है। कुर्ता क्या है? बहुत लंबा। ये इस कुर्ता की विशेषता को बता रहा है कि कुर्ता जो है वो बहुत लंबा है। फिर हम देखेंगे तीसरा, तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया है। यहाँ पे चित्र की क्या बता रहा है कि चित्र क्या है? बड़ा सुंदर है। चित्र की बहुत सुंदर को उसकी विशेषता को बता रहा है कि चित्र जो है वो बड़ा ही सुंदर है। तो बच्चों, विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, किंतु सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले लगकर विशेषणों का काम करता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह दौड़ रहा है, यहाँ पे ये क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? वह, ये क्या है? सर्वनाम। दूसरा हम देखेंगे, वह लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पे लड़का क्या है? संज्ञा है, संज्ञा शब्द के पहले क्या लगा है? वह। तो यहाँ पे क्या हुआ? वह लड़का दौड़ रहा है, तो ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। फिर हम देखेंगे परिमाण वाचक तथा संख्या वाचक विशेषणों में अंतर। जिन वस्तुओं की माप तौल की जाती है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग होता है, और जिन वस्तुओं की गिनती की जाती है उनके लिए संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग होता है। जैसे 2 लीटर दूध दे दीजिए, यहाँ पे दूध की क्या बता रहा है माप तौल को कि 2 लीटर, तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक। फिर दूसरा देखेंगे, कक्षा से 2 छात्र अनुपस्थित हैं, यहाँ पे छात्र की क्या बता रहा है? कितने छात्र? 2, यहाँ पे उसकी संख्या को बता रहा है, तो ये क्या हुआ? संख्या वाचक। फिर हम देखेंगे विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ अन्य शब्दों से बना लिए जाते हैं। विशेषण शब्दों की रचना मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। अब देखेंगे संज्ञा से विशेषण बनाना। पहला है संज्ञा शब्द देश, उसका विशेषण हुआ देशी। फिर हम देखेंगे दूसरा दया, उसका विशेषण शब्द हुआ दयालु। फिर हम देखेंगे बच्चों संज्ञा शब्द है भारत, जिसका विशेषण शब्द हुआ भारतीय। फिर हम देखेंगे सर्वनामों से विशेषण बनाना। सर्वनाम शब्द पहला है मैं, जिसका विशेषण हुआ मेरा। फिर है जो, जिसका विशेषण हुआ जैसा। फिर है आप, सर्वनाम है उसका विशेषण हुआ आपका। फिर हम देखेंगे क्रिया से विशेषण बनाना। पहला है चबाना, ये क्रिया है, उसका विशेषण हुआ चबेना। फिर है दूसरा लूटना, ये क्रिया है और उसका विशेषण हुआ लुटेरा। फिर हम देखेंगे आखिरी अव्यय से विशेषण बनाना, ये भीतर क्या है? क्रिया, और उसका विशेषण हुआ भीतरी। फिर है आगे, ये है क्रिया और उसका विशेषण हुआ अगला। तो बच्चों एक बार हम फिर से प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे कि हमने क्या सीखा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आज मैंने आपको पाठ 18 विशेषण पढ़कर बताया और समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ, जिसे आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।